हेलो दोस्तों, वेलकम टू गैरेज ऑफिशियल। मेरे सामने है टीवीएस अपाचे आरटीआर 200 4V। इसका एक डिटेल वॉक अराउंड ऑलरेडी हमारे चैनल पे लाइव है, आप जाकर चेक कर सकते हो। बट ये वीडियो किस लिए है, ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिटेल राइड रिव्यू ऑफ दिस मोटरसाइकिल। आई पर्सनली लाइक दिस मोटरसाइकिल सो मच, क्योंकि मुझे इसका पावर जो है बहुत ही कमाल का लगता है। इसके लुक्स भी काफ़ी कमाल के हैं, और ये जो ब्लैक कलर का जो बाइक है बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगती है। इसे साइड से देखोगे तो आपको एक बिग बाइक की फीलिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी सारे शार्प एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी इसका वॉक अराउंड हमारे चैनल पे लाइव है, आप जाकर चेक कर सकते हो। बट यहाँ पे एक क्विक ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन। सेम डिज़ाइन फ्रंट में देखने को मिलता है, ये देख लीजिए, विद दिस DRLs LED सेटअप है। यहाँ पे आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, रेड ग्राफिक्स है ये स्लीक। आपको इसके टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, विच लुक्स वेरी गुड। यहाँ पे आप क्राउन पैनल पे आप अपने नंबर प्लेट को लगाओगे। यहाँ पे आप चेक करोगे इसकी मिरर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्लीक मिरर्स है। ये 12 लीटर का टैंक देखने को मिलेगा, और आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलेगी, जो 160 में आपको सिंगल सीट देखने को मिलती है। ये सीट की कुशनिंग काफ़ी कमाल की है। यहाँ पे ग्रैब रेल्स आपको मेटल के देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगते हैं। पीछे के टायर्स और आगे के टायर्स आपको दोनों सेम साइज़ के देखने को मिलेंगे, जिनकी साइज़ आप देख लीजिए। यहाँ पे चेक करते हैं, 19x19 17 इंच के ब्लैक अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है, ये आपको ABS के साथ में आती है। यहाँ पे कैटलेटिक कन्वर्टर आफ्टर द BS6, यहाँ पे आपको कन्वर्टर दे दिया गया है। इंजन गार्ड यहाँ पे नी गार्ड एंड इंजन गार्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जो फुटपैक है रबराइज फिनिश में फ्रंट में देखने को मिलेंगे, पीछे के लिए आपको नॉर्मल से एल्यूमिनियम फिनिश में देखने को मिल जाएंगे। पीछे भी डिस्क ब्रेक दिया गया है, यहाँ पे रिफ्लेक्टर एंड पीछे का टेल लाइट का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे साड़ी गार्ड देखने को मिल जाएगा, BS6 नाम की वजह से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको चेन दिया गया है, जिसको एक फुल कवर नहीं दी गई है, वहाँ पे आपको इसकी केयर करनी पड़ जाएगी। यहाँ पे 5-speed का गेयर बॉक्स देखने को मिलता है। आई होप इसमें 6-speed का गेयर बॉक्स दिया जाता तो बेटर चीज़ हो सकती थी। ये जो इंजन है 200cc का, जो लगभग प्रोड्यूस करता है 20.50 BHP के आसपास एंड 17 Nm का टॉर्क। एग्जैक्ट फिगर्स आपके लिए मैं यहाँ पे छोड़ दूंगा। यहाँ पे इसका हैंडल बार भी काफ़ी ज़्यादा अपराइट है, ये क्लिप ऑन हैंडल बार्स है, इट लुक्स वेरी गुड। यहाँ पे जो स्विचेस की क्वालिटी दी गई है वो भी काफ़ी कमाल की है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स एंड हॉर्न देखने को मिल जाएगा, हॉर्न चेक कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा लाउड हॉर्न है। यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच भी देखने को मिलता है, विच इज़ रियली गुड फीचर, प्रीमियम फीचर हो जाता है। यहाँ पे पास लाइट्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपको किल स्विच एंड सेल्फ स्टार्ट देखने को मिल जाएगा। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ये LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जहाँ पे आपको सारे टेल लाइट्स देखने को मिल जाते हैं, ये काफ़ी कमाल का लगता है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाएगी, गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी देखने को मिल जाएगा, ये चेक कर लीजिए। यहाँ पे स्पीडोमीटर, RPM गेज एंड फ्यूल गेज भी दिया गया है। यहाँ पे आपको मोड दिए गए, ये बटन को जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे मोड चेक होते हैं। ये अर्बन मोड है, ये स्पोर्ट मोड एंड ये रेन मोड है। ये डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, आपको आगे राइड रिव्यू में डिटेल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं आया हूँ ज्योति TVS में, जो डोंबिवली में सिचुएटेड है। कोई भी TVS की बाइक्स या स्कूटर चेक करनी होगी तो आप यहाँ पे आके अच्छे ऑफर्स ले सकते हो, नीचे मैं नंबर दे रहा हूँ, वो जाके चेक कीजिए। एंड आपको इसका लुक कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए अभी चला के देखते हैं इस बाइक को, सबसे पहले इसका एग्जॉस्ट नोट आपको सुना देता हूं मैं। अभी बारिश ज्यादा हो रही है इसीलिए इसे मैं रेन मोड में डाल देता हूं, ये देख लीजिए, लेट्स सी, लेट्स गो नाउ। चलिए दोस्तों अभी निकलते हैं यहाँ से एंड इस गाड़ी को चला के देखते हैं। अभी हमने प्रीवियसली 164V अपाचे RTR पे भी एक डिटेल राइड रिव्यू बनाया था, हमारे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हो। सो राइट नाउ आई एम राइडिंग द अपाचे RTR 204V, एक प्रीमियम बाइक जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है आजकल। एंड ये बाइक पर अभी तक इतने सारे रिव्यूज़ आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे, तो आपको इसमें क्या अलग मिलेगा, तो आपको यहाँ पे मैं डिटेल राइड रिव्यू दूंगा। अभी मैं चला रहा हूँ ऐसे कंडीशन में जहाँ पे रास्ते इतने खास नहीं है, ये हाईवे है डोंबिवली में, बेसिकली मुंबई में आता है, तो अलग अलग टेरेन्स पे जाके चेक करेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस देती है। अभी ये एक टेस्टिंग बाइक है, जिस वजह से इसका स्पीडोमीटर बंद किया हुआ है, तो आप कंप्लेन मत करना कि यहाँ पे स्पीडोमीटर नहीं चल रहा है। तो ये राइड एक
टेस्टिंग बाइक है जिस वजह से मुझे ये बाइक मिली है। चलिए अभी इसकी आपको बताता हूँ कि चलाने में कैसे है। सबसे पहली बात, इसका इनिशियल रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा कमाल का है और ये जो पावर देखने को मिलती है विद दिस 200 सीसी का इंजन, वो एकदम इसको यूटिलाइज कर दिया गया है एट द कोर। मतलब इसका हर एक चीज़ को निचोड़ कर इसका पावर निकाला गया है, जो आई वुड से आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है जब भी आप इस बाइक पर बैठोगे। अभी बारिश हो रही है जिस वजह से मैं इसके अलग अलग मोड्स पर चलाने की भी कोशिश करूँगा। इसमें आपको तीन मोड्स देखने को मिलते हैं, एक है अर्बन मोड, सेकंड है रेन मोड एंड एक है स्पोर्ट मोड। एंड आपको इसका जो शिफ्टिंग का गियर्स है, लाइक आप जैसे गियर शिफ्ट करते हो वो बहुत ही इजीली हो जाते हैं, वहाँ पे दिक्कत नहीं आती है। जैसे बारिश आ रहा है जिस वजह से मुझे बार बार कैमरा को साफ करना पड़ जा रहा है, जिस वजह से मुझे थोड़ा माफ़ कीजिए। अगली बार से हम ट्राई करेंगे कि जब बारिश ना हो तभी बाइक चला के देखें, बट बारिश में हमें एक रियल परफॉर्मेंस पता चल सकती है इस बाइक की, कि बाइक इसके टायर्स कैसे है, रोड पर बाइक स्लिप होती है क्या नहीं, इसका ड्यूअल चैनल ईवीएस किस तरीके से काम करता है, तो ये सारी चीज़ें भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे। अभी आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसका माइलेज जो है वो उतना नहीं है दोस्तों, बहुत ही कम माइलेज मिलती है इस बाइक से। एंड अगर आप सोचोगे कि इस बाइक से मैं अच्छी कमाल की माइलेज निकल पाऊँ, तो ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है, यहाँ पे आपको माइलेज उतनी नहीं मिलेगी। बट जैसे आप इसे अर्बन का मोड पे चलाओगे तो वहाँ पे आप लगभग 30-35 या 40 तक का भी माइलेज निकाल सकते हो ऑन द हाईवे। बट यहाँ पे जैसे आप स्पोर्ट मोड पे डालते हो वहाँ पे आपको 30-25-30 ऐसा वेरी करेगा, तो माइलेज के मामले में उतनी नहीं है। बट इफ़ यू आर अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाय जहाँ पे आपको एंथुजियास्टिकली चलाना है, तो वहाँ पे आपके लिए ये बाइक बहुत ही बढ़िया साबित होने वाली है। आपको एक स्पोर्ट्स बाइक की फीलिंग आएगी क्योंकि इसे आप ट्रैक पर भी चला सकते हो, ये ऐसी बाइक है। एंड माइलेज तो मैंने बता ही दिया, परफॉर्मेंस के मामले में तो ये है ही बढ़िया। जैसे ही मैंने इसे स्पोर्ट्स मोड पे शिफ्ट किया ना दोस्तों, ये काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, लाइक जो एक्सेलरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। एंड आपको एक इसकी पीक परफॉर्मेंस आपको वहाँ पे पता चलेगी। बट मुझे यहाँ पे एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे ही मैंने रेन मोड से इसे स्पोर्ट्स मोड पे डाला एंड मैं जब ब्रेकिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरा पीछे का टायर थोड़ा स्किड हो रहा था और मैं एक वेट कंडीशन में चला रहा हूँ जहाँ पे बारिश काफ़ी अच्छी खासी हो रही है। और वहाँ पे स्पोर्ट्स मोड में ब्रेकिंग मुझे इतनी अच्छी खासी नहीं देखने को मिली, बट रेन मोड में इसका ट्रैक्शन काफ़ी कमाल का है, इसके ब्रेक्स बहुत ही प्रिसाइजली काम करते हैं एंड आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है। एंड आपको वहाँ पे ऐसा फील नहीं होगा कि मेरी बाइक गिर जाएगी या फिर स्किड हो जाएगी, वैसा इशू नहीं होने वाला। तो मुझे रेन मोड में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही है एज वेल एज ब्रेकिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल जा रही है। एंड स्पोर्ट्स मोड्स में तो क्या ही बताओ, स्पोर्ट्स मोड में तो आपको एक कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, आप फुल एंजॉय करके चलाओगे, इसे लॉन्ग टूर पे लेके जाओगे एंड वहाँ पे भी इशू नहीं आने वाला। चलिए अभी इसके सस्पेंशन की बात करते हैं। अभी जैसे मैं सिटी में आ गया हूँ, यहाँ पे बहुत सारे खड्डे वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप इसे गाँव खेड़ों में लेकर जाते हो या फिर एक अनइवन रस्तों पर चलाते हो, तो वहाँ पर सस्पेंशन किस तरीके से काम करते हैं वो यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। अब इसमें आपको जो सस्पेंशन टेलीस्कोपिक देखने को मिलते हैं, उनका ट्रैवल काफ़ी बढ़िया है। आप इसे कोई भी रस्ते लेके जाओ, खड्डों पे से लेकर जाओ, आपको झटके महसूस नहीं होते हैं, बाइक आराम से ग्लाइड कर निकल जाती है। एंड सॉरी अगर यहाँ पे आपको स्क्रीन प्रॉपरली नहीं दिखता होगा, क्योंकि बारिश की वजह से बार बार कैमरा को पोछना पड़ जा रहा है, जिस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। बट यहाँ पे आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस बता पाऊंगा कि इसे सिटी में भी चलाओगे, खड्डों पे भी चलाओगे या फिर आप इसे कहीं पर भी लेके जाओ इंडिया में, ये गाड़ी आपको धोखा नहीं देने वाली, काफ़ी अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस दे देती है। एंड अगर आपकी हाइट भी कम है, लाइक मेरी हाइट 5.6 के पास है, मेरे पैर दोनों फुट डाउन नहीं होते, तो भी मैं इसे आसानी से टैकल कर पाता हूँ, टिपटो करके भी काम चल जाती है, वहाँ पे बहुत इशू नहीं है। अगर आपको कंसर्न है कि मेरी हाइट उतनी नहीं है, क्या ये बाइक को मैं चला पाऊँगा, इसका वेट भी बहुत ही ज़्यादा नहीं है, आप इसे आराम से टैकल कर पाओगे, वहाँ पे ज़्यादा इशूज़ नहीं आने वाले। एंड एनी टेरेन में ये बाइक अच्छे तरीके से परफॉर्मिंग करती है, वेदर इट इज़ सिटी कंडीशन, ऑन हाईवे एज वेल एज ऑन द कंडीशन लाइक जो अर्बन एरियाज होते हैं, गाँव खेड़ों की जगह होते हैं, वहाँ पे भी ये अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस कर देती है। एक ही कंसर्न मुझे यहाँ पे है, जो इसका माइलेज जो आपके फेवर में नहीं जाता। अगर आपको एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक चाहिए विद द माइलेज ऑल्सो, तो वहाँ पे ये बाइक आपके लिए है ही नहीं। आप इसके बदले 164V को कंसिडर कर सकते हो, जिसमें आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी और साथ ही साथ माइलेज भी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। बट वहाँ पे आप मिस करोगे मोड्स लाइक अर्बन, रेन एंड स्पोर्ट, एंड वहाँ पे आपको स्लिपर क्लच भी नहीं दिया गया है। बट यहाँ पे प्राइस डिफरेंस भी वहाँ पे आ जाती है। सो अगर आपका बजट उतना नहीं है, तो मैं कहूँगा 164V ले लीजिए, वो भी काफ़ी कमाल की बाइक है, उसका सीट कम्फर्ट भी बढ़िया है। एंड अगर आपको ज़्यादा ही सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड ही चाहिए, तो वहाँ पे बजाज की NS 200 भी आती है, जो भी नेक टू नेक है विद दिस बाइक।
तो ये थे मेरे व्यूज़ ऑन दिस बाइक। आपको ये बाइक कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड इस तरीके की और भी वीडियोस आपको हमारे से चाहिए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन साबित होता है। चलिए दोस्तों, बाय, टेक केयर।